कुंवर साहब, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, मन और मानसी आपस में किसी भी कीमत पर मिलने ना पाए। जी हम मन भी तैयार है। मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। इंसानों का भगवान भी ना, हम शैतानों का बड़ा ख्याल रखता है। क्या मस्त मस्त चीजें बनाई हैं इसने। देवी माँ, हिम्मत दीजिए। जिस मकसद के लिए मैं जा रही हूँ उसमें कामयाब होकर ही लौटूं और अपने बच्चों को सही सलामत वापस लेकर आऊं। हिम्मत दीजिए। सिया भाभी, सिया भाभी, सिया भाभी, सिया भाभी, सिया भाभी, राम भैया, क्या हुआ चमड़ी? वो सिया भाभी। क्या क्या हुआ सिया को? वो राम भैया, सिया भाभी अपने कमरे में ना है। मैंने उन्हें भागते हुए देखा था, वो पक्का मोहिनी से मिलने गई है। इसका दिमाग खराब हो गया क्या? इसका मोहिनी से मिलना बहुत खतरनाक है, इसको मना किया था कमरे से बाहर निकलने के लिए। अब मलाल करने से कोई फायदा नहीं कुंवर साहब, हमें तुरंत मोहिनी के पास पहुंचना चाहिए। चलो, मन का है, मन, 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 अपने कमरे में होगा शायद। मन, सिया, मन, मन, लगता कुराने साहब मन को भी अपने साथ ले गई हैं। नहीं, सिया ऐसा नहीं कर सकती। वो अपनी जान दे देगी लेकिन मन को खतरे में नहीं डालेगी। राम भैया, मन भी तो कितना जिद्दी है ना, एक मिनट के लिए भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ता है।
इतनी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। कहीं हमारे साथ रह रहकर इन लोगों की इंसानियत ना मर गई। राणा साहब को फोन करती हूँ। राणा साहब हमारा फोन ना उठा रहे और इस मानसी को मारकर हमारा कोई फायदा ना होने वाला। आ गई मारी सौतन। अब ये चुड़ैल अपने पुराने रूप में वापस आ गई। सरप्राइज मोहिनी। क्या हुआ? मैंने देखकर खोसला हुई के तू? कैसी है रे मारी प्यारी सौतन? पता है कितना मिस किया मैंने तन्नी। तूने गाली दिए बिना ना मारा खाना ही हजम ना होता। वो हाँ, बड़ी पतली हो गई है रे तू। चुड़ैल का डर क्या मिट गया? राणा सा ने तेरा ख्याल रखना बंद कर दिया? राणा सा ने रिझाने के लिए डाइटिंग कर रही है। पता है पिछले 5 सालों में ना हमेशा मैं यही सोचती थी कि मैं तन्ने कैसे मारूंगी। और देख वाह क्या मस्त जगह ढूंढी है मैंने। अच्छी जगह है ना? क्या हुआ, जगह पसंद नहीं आई तने? देख जगह पसंद नहीं है ना तो मैं तन्ने वही मारूंगी जहां तू बोलेगी। आखिरी सांसें हैं थारी और 505 साल का रिश्ता है थारा और मारा। गहरा रिश्ता है तो इस नफरत के एहसान में इतना तो बनता है। करिए बकवास, मिल गई तसल्ली? ना अभी कहाँ, थारे को मार के ही तो मन्ने सुकून मिलेगा। वैसे क्या गजब कनेक्शन है हम माओ का। मैंने तने जगह बताई भी नहीं और तूने मन्ने ढूंढ लिया। वाह, खुद को माँ कह के माँ शब्द को गाली मत दे मोहिनी। माँ कहलाने के लायक नहीं है तू। सिया इस हालत में मोहिनी का सामना नहीं कर सकती। अगर मोहिनी को पता लग गया कि सिया प्रेग्नेंट है, पता नहीं क्या होगा। आप चिंता ना करें कुंवर साहब, एक माँ की शक्ति क्या भी है, कोई शैतानी शक्ति टिक नहीं सकती। वैसे तने अकेले किसने बुलाया था? माँ का लाल कटे है। गाड़ी देख, बहुत हो गई हंसी मजाक। कोई
हथियार वत्यार तो ना लाई तू, क्योंकि इस बार ना चालाकी तन्ने बहुत भारी पड़ेगी। किसी गेम खेलने के मूड में ना हूँ मैं। तेरी फितरत से वाकिफ हूँ, इसलिए कुछ नहीं लाया। वेरी गुड, नारे साथ रहकर मारी सौतन भी समझदार हो गई है, इसलिए चुपचाप अट्ठे खड़ी रहे। तब तक मैं माँ के लाल को देख के आती हूँ। क्या समझती है रे? गुड्डा गुड्डी की शादी हो रही है यहाँ, जो इस पुतले ने ले आई की मोटी ही रहेगी तू। एक बार में तो बात थारी बुद्धि में घुसती ना है। कहा था कोई चालाकी मत करना, किसी गेम खेलने के मूड में ना हूं मैं आज, पर ना होशियारी तो तन्ने करनी है। तो ले अब भुगत। क्या देख रही है? अरे दिवाली वाली चिटपुटिया गन्ना है ये, असली है असली, हर गोली भी असली, सरासी भी होशियारी की ने तो सब ढाए 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 भेजे के अंदर। सौतन, थारी फितरत से ना वाकिफ हूं मैं, इसलिए इंतजाम पहले कर रखा था मैंने। रे बावड़ी, जिसे इतनी शिद्दत से गलियां लगा सकते हैं, पर देख तो ले वो गले लगाने के लायक है या ना। हमारी गुफा में तो घुसाई से बचाने के लिए, कहीं ये थारी मौत का कारण बन गया तो। पीछे चल, और छोड़ दे मानसी ने वहां। के अपने आप ने बहुत बड़ी शतरानी समझती है। इसलिए अकेली चली आई मारे से लड़ने। जानती है कि मोहिनी अपनी सारी शक्तियां खो बैठी है।
बचपन के लगा कि मैं इतनी कमजोर हो जाऊंगी कि तुम उन्हें हरा पाएगी। भावड़ी सौतन, मारी शक्तियों से ज्यादा थारी नफरत ने जिंदा रखा है मने। अपनी शक्तियों पर घमंड है मने। पिछले 5 सालों में जो दर्द तूने मने दिया है, कर अपने सीने में रखा है मैंने, ताकि जब भी तुम्हारे सामने आए वो दर्द, वो आग मारा हथियार बने। आज तक तू अपने प्यार की वजह से जीती, पर अब ये मोहिनी अपनी नफरत, नफरत के बल पर जीतेगी। अरे वाह बेटा, आ गया मेरे माँ का लाल। जिस माँ ने तुमने जन्म दिया उसका ख्याल ना है, और इस सौतन के लिए जान की दुहाई मांग रहा है। मन ने लात मार के इस सौतन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है तू, पर जिस माँ ने तेने जन्म दिया उस माँ को भूल गया तू। इंसानियत और अच्छाई की बात तो बहुत कर रहा है रे तुमन, पर इंसानियत का पहला नियम कैसे भूल गया तू? इंसानियत का पहला नियम है कि अपनी माँ का साथ कभी ना छोड़ना, और अपनी माँ का साथ छोड़ रहा है तू। हाँ मन, मैं अपने माँ के साइड ही हूँ, और मेरी माँ सिर्फ रसगुल्ला है। आप डायलॉग अभी मन कभी बैड बॉय नहीं बनेगा। ठीक है, मैं बुरी हूं ना, बुरी हूं मैं। अब देख थारी नजरों के सामने इस सौतन का भेजा कैसे उड़ाती हूं मैं। नहीं, छोड़ दो मेरे रसगुल्ला को, उसके पेट के